नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। शनिवार शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें ऐलान कर दिया गया कि 195 सीटों पर किस किस को इस बार मौका मिला है और किसका पत्ता कटा है, यानी कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है। अगर बात करें हम यूपी की तो 51 सीटों पर फिलहाल ऐलान हुआ है, बाकी सीटों का ऐलान दूसरी लिस्ट में किया जाएगा। लेकिन ये जो 51 सीटें हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है बनारस की सीट, यानी कि वाराणसी की सीट, जिस पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को ही टिकट मिला है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे और यकीन मानिए जैसे ही ये ऐलान हुआ वैसे ही काशी वासियों ने इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर अगर आप जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि यूजर्स लिख रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है, आपको तो हमने दिल से ही एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लिया है। आपको बता दें तीसरी बार होगा जब नरेंद्र मोदी वाराणसी की सीट से चुनाव लड़ेंगे और कहा यह जा रहा है कि चुनावों से पहले ही काशी वासियों ने नरेंद्र मोदी की जीत को लगभग कंफर्म ही कर दिया है। जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ उसके तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया जिसको मैं आपको पढ़कर बता देती हूं कि कैसे उन्होंने पहले तो आभार व्यक्त किया और उसके बाद बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए, वादा करते हुए नजर आए और ये बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से वो काशी वासियों के लिए हमेशा से ही कृतज्ञ रहेंगे। क्या कुछ लिखा नरेंद्र मोदी ने जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी ने लिखा, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तीसरी बार अपने परिवारजनों की सेवा को लेकर बहुत उत्सुक हूँ। बीजेपी के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मुझ में निरंतर विश्वास जताने के लिए पार्टी के करोड़ों निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को मेरा नमन। 2014 में मैं लोगों के सपनों को साकार करने और गरीब से गरीब को सशक्त बनाने का संकल्प लेकर काशी गया था। बीते 10 वर्षों में काशी का कायाकल्प करने के लिए हमने अलग अलग सेक्टर में तेज प्रगति की है। विकास के इस चौतरफा प्रयास में आगे भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा। काशी के मेरे भाइयों और बहनों ने मुझे जो अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं हृदय से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी कृतज्ञता जाहिर की है। अब चलिए आपको वो तस्वीरें और वो वीडियोस भी दिखाते हैं जो सीधे काशी से हमारे पास आई हैं। किस तरीके से बनारस वाले नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होने के बाद अपनी जो खुशी है वो जग जाहिर कर रही है। तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ अरेंजमेंट कर दिए।